साइकोलॉजी अभी पैदा हुई पश्चिम में, भारत में, भारत में, भारत बुद्ध मन पर काम करते हैं। पश्चिम ने मन को समझना सिखाया, भारत ने मन को जीतना। कबीर बहुत नाराज है मन पे, कबीर को अगर आप सुने बहुत नाराज है मन पे, बहुत नाराज। रविदास बड़े मृदुभाषी हैं। रविदास, रविदास कहते हैं मन चंगा तो कठौती में गंगा। क्योंकि मन आपको दिशा देता है, मन। रविदास कहते हैं मन चंगा तो कठौती में गंगा। इस कहावत की पैदाइश एक कहानी जुड़ी हुई इस कहावत से। रविदास चमार थे जात के, जूता उता सुलते थे, जागृत आदमी थे। एक बार उनके गांव के एक पंडित जी गंगा जी नहाने जा रहे थे, तो जब रविदास की कुटिया के सामने से गुजरे तो रविदास ने पूछा कि प्रभु काशी? बोले हां काशी जा रहा हूं गंगा मैया का स्नान करने। अरे बोले प्रभु हमारा भी एक काम कर दीजिए। हाँ पंडित जी ने कहा बताओ। बोले प्रभु हमारी तरफ से ये 1 रुपया गंगा मैया को चढ़ा दीजिएगा। हाँ बोले फेंक दो। फेंक दिया पंडित जी ने, उसमें गंगा उंगा जल डाला, रुपया शुद्ध हो गया। वही गंगा जल रविदास पे भी डाल देते वो भी शुद्ध हो जाता, जब उस गंगा जल में इतनी ताकत है। पंडित जी जातिवाद पर एक दिन लेक्चर लूंगा आपको, भारत में जातिवाद का जन्म और उसका षड्यंत्र, जातिवाद पर लेक्चर लूंगा। तो रविदास ने कहा पंडित जी एक बात और सुन लीजिए। बोले हां बताइए। बोले जब आप 1 रुपया गंगा मैया को चढ़ाइएगा तो उनसे कहिएगा कि रविदास ने 1 जोड़ा कंगन मांगा है। बोले गंगा मैया से? बोले हां। बोले अच्छा। पंडित जी गए गंगा नहाए हुआ है, नहा वहा के पंडित जी को याद आया कि यार रविदास ने 1 रुपया दिया था और कहा था गंगा मैया से हमारे लिए कंगन मांग लीजिएगा। तो पंडित जी ने 1 रुपया निकाला, गंगा मैया पे चढ़ा दिया उस पानी में और कहा कि मां रविदास ने कंगन मांगा 1 जोड़ा। गंगा मैया अवतरित हुई, बोली ये कंगन हमारे बेटे को दे देना। पंडित जी तो टेंशन में आ गए, हम पूरी जिंदगी नहाए, माता जी आप हमसे मिलने कभी नहीं आए। अरे बोले जाओ बाद में बात करेंगे। पंडित जी सोने का कंगन देखे, कहे रविदास को क्या पता चलेगा। पंडित जी ने जाके काशी के राजा को वो सोने का कंगन दे दिया। राजा ने बड़ा गिफ्ट उफ्ट दिया, जमीन उमीन तोहफे में दी। पंडित जी लौट आए गांव, बोले पैसा चुमाड़ा चढ़ा दिए रविदास? बोले चढ़ा दिए। बोले कंगन? बोले वो कंगन गंगा में निकल के कंगन देती किसी को? रविदास ने कहा कोई बात नहीं बाबा जी, आप जो कह रहे सही कह रहे। बात आई गई हो गई। एक दिन क्या हुआ कि काशी के जो राजा थे उनकी पत्नी स्नान करने गई गंगा जी, उनका 1 कंगन खो गया। आई बोली कि हमको यही कंगन दोबारा चाहिए और यही चाहिए। राजा साहब ने पंडित जी को बुलवाया, कहा ये दूसरा कंगन दिलाओ, यही जोड़ा यही। अब तो पंडित जी फंस गए, बड़े सुनारों के पास गए। अरे इसका ये मॉडल भैया हम ना बना पाएंगे, है ही नहीं। तब पंडित जी थक हार के आए और रविदास को सारी कहानी सुनाया, क्योंकि राजा ने कहा था पंडित जी 1 जोड़ा ला के दे दो नहीं तो फांसी चढ़ा देंगे। तब अंत में आए रविदास के पास कि भैया बचा लो नहीं तो जान चली जाएगी, कंगन दिया था मां ने। और पूरी कहानी उन्होंने सुनाया। अरे रविदास ने कहा आप चिंता ना करो, राजा साहब को बुला लो, हम कंगन यही दे देंगे। यही? हां। बोले गंगा जी को हम यही बुला लेंगे। तो जो चमड़े का काम करते थे उनके पास कठौता होता था, पानी उसी कठौते में वो चमड़े को भिगोते थे। तो राजा साहब रानी साहिबा सब लोग आई कंगन लेने के लिए कि वो तो गंगा माँ का कंगन है, सब आए देखने के लिए कि गंगा माँ कंगन देंगी। बोले हाँ। तो रविदास की कुटिया पे आए तो रविदास खड़े हुए कठौते से हाथ जोड़ा, कहा माँ 1 जोड़ा कंगन और दे दो। तो कठौते से गंगा जी निकल आए। वहीं पर ये मुहावरा बना, मन चंगा तो कठौती में गंगा। तुलसीदास
तुलसीदास, तुलसीदास ने कहा जाकी रही भावना जैसी। हम पश्चिम से बहुत आगे हैं सर, यही डर है पश्चिम को, इसी से डर है, इसी से, क्योंकि जिसने अपने मन को जान लिया वो महान बन सकता है बिल्कुल, लेकिन जीत लिया वो भगवान बन जाएगा। भारत बहुत आगे है पश्चिम से, पश्चिम को पता है कि इस धारा को तोड़ दो, इस धारा को। बुद्ध कहते हैं विपासना, स्वयं को देखना।